इंदिरा नगर से लगे गैस गोदाम क्षेत्र के भगवान नर्मदेश्वर महादेव मंदिर खेल मैदान परिसर में इंदिरा नगर ग्वालटोली भगवानपुरा नीमच सिटी छावनी आदि जगह के क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। इंदिरा क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी यहां रोजाना क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। खेल मैदान के पास पानी निकालने के लिए नगर पालिका द्वारा गड्ढे खोदे गए थे जिन्हें पुनः नहीं भरवाया गया था, जिसके चलते उन्हें खेलने में भारी परेशानी आ रही थी। वहीं आसपास क्षेत्रों में खेल मैदान परिसर गणपति नगर क्लासिक क्राउन कॉलोनी आदि क्षेत्रों में स्थित रिक्त भूमि में भारी मात्रा में गाजर घास उग रही थी। जिस क्षेत्र में भारी मच्छर पैदा हो रहे थे, रहवासियों व क्रिकेट खिलाड़ियों को बीमारी का डर सता रहा था, जिससे रहवासी तो परेशान थे ही, वहीं क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेलने वाले काफी परेशान थे। सभी को खुद का स्वास्थ्य खराब होने की चिंता सताने लगी थी। क्रिकेट खिलाड़ियों ने खेल मैदान में रोजाना घूमने आने वाले जिला कांग्रेस के प्रवक्ता व पूर्व पार्षद मुकेश पोरवाल से मंगलवार को समस्या के निदान की बात कही, जिसके बाद तुरंत समस्या का निदान को लेकर सीधे कलेक्टर मयंक अग्रवाल से चर्चा की गई व उनके संज्ञान में यह मामला लाया गया। कलेक्टर के निर्देशन में नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा, जिला कांग्रेस के मुकेश पोरवाल, समाज सेवी मनीष चांदना, समाज सेवी एम दलवी ईश्वर चौधरी, नोनू शर्मा, अजय हाड़ा, दरोगा शिव पार्चे, देवानंद तोड़ी एवं क्रिकेट खिलाड़ियों की उपस्थिति में खेल मैदान के आसपास उबड़ खाबड़ गड्ढों को भरा गया। वहीं आसपास भारी मात्रा में उग रही गाजर घास को भी जेसीबी की सहायता से उखड़वाया गया। नगर पालिका द्वारा किए गए इस कार्य की क्षेत्रवासियों द्वारा सराहना की गई, क्योंकि क्षेत्र में डेंगू के कई मरीज आ चुके हैं। क्षेत्र में उग रही गाजर घास से भारी मात्रा में मच्छर पैदा हो रहे थे। लोगों में डेंगू की दहशत बैठ चुकी थी। गाजर घास का नष्टीकरण करने से निश्चित मच्छरों से निजात मिलेगी। क्रिकेट खिलाड़ियों व रहवासियों ने कलेक्टर मयंक अग्रवाल, ओम दीवान, नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा, इस क्षेत्र के सक्रिय दरोगा शिव पार्चे, देवानंद तोड़े व नगर पालिका का आभार व्यक्त किया।